नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं देव विज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन किस तरह से किया गया है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के कारण जाने, जिसमें मैंने आपको साहित्यिक कारण, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, सांस्कृतिक कारण क्या था, मुख्य रूप से तीन कारणों की चर्चा की थी कि राजनीति उस समय कैसी थी, राजनीतिक कारण क्या था भक्ति आंदोलन के प्रारंभ होने का, इसके साथ साथ सामाजिक कारण क्या थे और सांस्कृतिक कारण क्या थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन किस तरह से किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी ये आज की, क्योंकि आज की वीडियो अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली जो वीडियो भक्तिकाल से संबंधित होगी वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जुड़िए। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास की किसी भी बुक में नहीं मिलती है। मैंने कई बुकों की स्टडी करने के बाद आज की वीडियो को बनाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। भक्तिकालीन जो साहित्य है इसका विभाजन मुख्य रूप से दो खंडों में किया जाता है। पहला है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। यानी भक्ति जो की गई वह ईश्वर को निर्गुण यानी निराकार मान करके की गई, और वह भक्ति जो ईश्वर को साकार मान करके की गई है, इस दो तरह की भक्ति को हम देखते हैं भक्ति काल में। इसमें ऐसे भी कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर को निराकार या निर्गुण मान करके उनकी भक्ति की है, और ईश्वर को गुणयुक्त अर्थात आकार दे करके या आकार वाला मान करके भक्ति की गई। इस दो तरह की धारा को हम भक्ति काल में देखते हैं, उसके साहित्य में ये दो तरह की चीजें नजर आती हैं। निर्गुण भक्ति धारा जो है वह दो खंडों में आगे चल करके बढ़ी। निर्गुण में एक तो वो आ गई जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति करने की कोशिश किए, तो ज्ञानाश्रय शाखा हो गई जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं। दूसरा खंड जो आता है वह है प्रेमाश्रय शाखा जिसको हम प्रेम काव्य या सूफी काव्य भी कहते हैं। इसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की गई, ईश्वर प्रेम में कविताएं लिखी गई। आगे देखते हैं सगुण धारा के खंडों को। सगुण धारा भी दो भाग में विभाजित हुई। इसका विभाजन पहला जो विभाजन किया गया वह रामाश्रय शाखा है जिसमें राम भक्ति काव्य लिखे गए, अर्थात भगवान राम को या दशरथ पुत्र राम को ईश्वर मान करके आराध्य मान करके जो कविताएं लिखी गई या जो काव्य लिखा गया वह रामाश्रय शाखा है, और जो कृष्ण को अपना आराध्य मान करके काव्य लिखा गया वह कृष्णाश्रय काव्य धारा है या कृष्ण भक्ति काव्य है। तो सगुण धारा जो है वह दो भाग में बटी, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति की धारा तो हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व से चली आ रही थी, और वह ईसा पूर्व से जो चली आ रही थी वह थी हमारी। अब ये भाग जो मैंने ब्लू से लिखे हैं यहां से कृष्ण भक्ति काव्य के नीचे का ये पार्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले इस पार्ट को समझ लीजिए। इस पार्ट को जब आप समझ लेंगे तो ये पार्ट आसानी से समझ लेंगे। समझिए, ईसा पूर्व लगभग 500 ईसा पूर्व शंकराचार्य के जमाने की बात कर रहा हूं, उस समय मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय की हम बात पहले करेंगे कि वैष्णव संप्रदाय की का प्रारंभ कब हुआ। अब यहां हम मध्यकालीन को बात छोड़कर के पहले वैष्णव संप्रदाय को समझ लें। वैष्णव संप्रदाय क्या है? भगवान विष्णु को आराध्य मान करके जो आराधना की जाती है और उस आराधना को करने वाला जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान करके जो आराधना करने वाले लोग थे वो उनका जो संप्रदाय था वो वैष्णव संप्रदाय कहलाया। यह वैष्णव संप्रदाय ठीक है 5 अलग अलग भागों में बटा। कारण क्या था ये भी बात करते हैं। क्या ये 5 कारण पहले से थे या कुछ कम थे? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो वैष्णव की हुई थी वह 4 मुख्य संप्रदायों में बांटा गया था। वैष्णव संप्रदाय 4 मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे जरा यहां आ जाइए। गौरगली, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और संकादिक संप्रदाय। अब ये 4 संप्रदाय कब आए, कैसे आए ये समझ लीजिए। ब्रह्म संप्रदाय, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने
यानी कि समझ लीजिए, हमारे जो कह सकते हैं कि चतुर्भुज रूप वाले जो भगवान विष्णु हैं, नारायण है, उन्होंने अपना कुछ मंत्र, ठीक है, वैष्णव मंत्र सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय उन्होंने तैयार किया वह ब्रह्म संप्रदाय हो गया। इसके बाद उन्होंने रुद्र अर्थात भगवान शिव को वैष्णव मंत्र दिया जो कि रुद्र संप्रदाय हुआ, शिव से रुद्र संप्रदाय हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी को दिया तो श्री संप्रदाय बना, और उसके बाद उन्होंने सनकादि मुनियों को दिया। अब ये सनकादि कौन थे? ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं। ये चार मानस पुत्र में कौन कौन है जरा गौर कर लीजिएगा एक बार। यहां देखिए, ये नाम में लिखा गया सनक और आदि, दो शब्द मिला हुआ है, सनक प्लस आदि से बना है सनकादि, ठीक है। ये चार कुमार थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार ब्रह्मा के पुत्रों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इनको ही सनकादि कहा गया, सनक और आदि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इन चारों को जो कि हमेशा बाल रूप में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा 5 वर्ष के ही दिखते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, हमेशा ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं, नारायण की भक्ति करते रहते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। इन चार मुनियों को, मुनि हम कह सकते हैं इनको, ये ब्रह्मा के पुत्र जो सनकादि थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन चारों को भगवान विष्णु ने वैष्णव मंत्र दिया और इनसे बना सनकादि संप्रदाय। ये चार मुख्य संप्रदाय थे। अब वैष्णव संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु से स्टार्ट हुआ, भगवान विष्णु की आराधना करने वाला संप्रदाय, इसमें शंकराचार्य भी जुड़ गए, इन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना की। अब कुल मिलाकर के कितने हो गए? 5, गौर कर लीजिए। अब ये 5 जो थे, इनके कुछ प्रमुख आचार्य थे, बाद में जब ये आगे चला, जिनको जिनको उपदेश या जिनको जिनको भगवान विष्णु ने वैष्णव मंत्र दिया था, उसके बाद वो आगे चल करके इसकी कुछ प्रमुख आचार्य बने इन संप्रदायों के। अब इन संप्रदायों के आचार्यों की बात कर लेते हैं हम। देखिए, ब्रह्मा के बाद ये नारद तक पहुंचा, नारद के बाद वेद व्यास तक पहुंचा, वेद व्यास के बाद मध्वाचार्य तक पहुंचा, मध्वाचार्य जिन्होंने ब्रह्म माधव समाज बनाया, ब्रह्म माधव संप्रदाय बनाया, इन्होंने आगे चल करके ब्रह्म संप्रदाय में एक और भाग निकाल दिया, ब्रह्म माधव संप्रदाय। उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु आए कालांतर में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय बनाया जो आकर के गौड़ीय संप्रदाय हुआ, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये तो ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्म संप्रदाय हो गया, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, वेद व्यास से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य में ब्रह्म माधव संप्रदाय बना, और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय, ब्रह्म माधव तो ये मध्वाचार्य जी ने किया था, ये आगे आकर के उसमें गौड़ेश्वर शब्द ऐड कर दिए। तो ये था ब्रह्म समाज, ब्रह्म संप्रदाय के बारे में, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें मध्वाचार्य जी हुए, ठीक है। मध्वाचार्य जी संप्रदाय कौन था? ब्रह्म संप्रदाय था। और कौन से सिद्धांत का इन लोगों ने प्रतिपादन किया? द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये हो गया। शंकराचार्य जी ने ऐसे ही कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया? शंकराचार्य जी के संप्रदाय का नाम है स्यार्थ संप्रदाय, और इन्होंने अद्वैतवाद को प्रारंभ किया था। इनका कहना था ईश्वर और जीव दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक हैं। तो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रारंभ किया था, इनका सिद्धांत जो था अद्वैतवाद था। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 सिद्धों 4 पीठों की स्थापना की थी और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उसकी बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश की थी, और हिंदू धर्म के लिए 4 अलग अलग पीठों की, सिद्ध पीठों की स्थापना इन्होंने की थी, आदि शंकराचार्य जी ने। इनका संप्रदाय था स्यार्थ संप्रदाय, और इन्होंने कौन से सिद्धांत की शुरुआत की थी? अद्वैतवाद की शुरुआत की थी।
आ जाएंगे अगला संप्रदाय। अगला संप्रदाय में मैंने आपको ये बताया, देखिए ये श्री संप्रदाय है जो कि भगवान विष्णु ने ये चार मुख्य संप्रदाय बनाए, जिसमें से हमने एक ब्रह्म संप्रदाय की बात कर ली जो कि ब्रह्मा जी से आगे चल के मध्वाचार्य जी तक पहुंचा। मध्वाचार्य जी का संप्रदाय वही ब्रह्म संप्रदाय था, सिद्धांत कौन सा, द्वैतवाद। आगे आ जाइए श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में आगे चल करके श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए थे, जिनको वैष्णव वैष्णव संप्रदाय का आद्य आचार्य कहा जाता है, और जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में पैदा हुए थे। तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में पैदा हुए थे कौन, रामानुजाचार्य, और इनको वैष्णव संप्रदाय का आद्य आचार्य कहा जाता है। और तमिल में तमिल भाषा में इन वैष्णवों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, इन वैष्णवों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। उस शब्द को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट लिख करके मुझे बताइएगा कि वैष्णवों को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है। आगे आ जाइए श्री संप्रदाय में बता रहा था, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए जो संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के थे, इनका सिद्धांत जो था वो विशिष्टता द्वैत था, विशिष्टता द्वैत। तो शंकराचार्य का साथ स्यात संप्रदाय, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय जो विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादन किए, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय में प्रमुख आचार्य बने, ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, इनका सिद्धांत था द्वैत संप्रदाय। अब ये जो शंकादि थे, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र मानस पुत्र माने जाते हैं, इनके द्वारा जो संप्रदाय बना शंकादि संप्रदाय, इस शंकादि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बने निम्बकाचार्य जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह सिद्धांत है द्वैता द्वैत। और इसके बाद आ जाइए विष्णु स्वामी एक आचार्य हुए, जो विष्णु स्वामी महाराज थे, ये रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव को, भगवान विष्णु ने जो वैष्णव मंत्र दिया उसके बाद रुद्र संप्रदाय भगवान शिव से बना, और भगवान शिव के बाद ये आगे चलकर के कालांतर में इसके प्रमुख आचार्य बने विष्णु स्वामी जी इस रुद्र संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य थे। इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया शुद्धाद्वैतवाद। अब बात यह आती है कि ये पार्ट मैंने क्यों पहले नहीं समझाया, क्योंकि ये पार्ट देखिए पहले वैष्णव संप्रदाय आया था, वैष्णव संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हुए अलग अलग, जो वैष्णव संप्रदाय के चार मुख्य संप्रदाय पहले थे, बाद में एक और जुड़ गया शंकराचार्य जी द्वारा स्यार्थ संप्रदाय, ये कुल मिलाकर के पांच संप्रदाय, मुख्य पांच संप्रदायों से आगे चल करके उप संप्रदाय बने, और उप संप्रदाय जब ये आगे चले तो उनमें कुछ लोग कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य लिखने लगे या अपना संप्रदाय बनाने लगे, और कुछ लोग राम से संबंधित अपना संप्रदाय बनाने लगे। तो इस तरह से कृष्ण और राम से अलग अलग संप्रदाय बनने लगे, जहां कुछ संप्रदायों में कृष्ण को महत्व दिया गया या उनकी पूजा पर महत्व दिया गया, और कुछ में राम को महत्व देकर के उनकी पूजा की बात की गई। अब आगे चलते हैं, हम गौर करिएगा, निम्बकाचार्य ये देखिए शनकादि संप्रदाय, ये चौथा जो संप्रदाय हमने यहां पर बताया था निम्बकाचार्य, जो कि शनकादि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, आगे चलकर के इन्होंने अपने नाम से एक संप्रदाय बनाया निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय इन्होंने बनाया था। यहां देख लीजिए वल्लभ संप्रदाय कहां से प्रारंभ हुआ, वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य कौन से संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी महाराज के बाद, विष्णु स्वामी महाराज जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, आगे चलकर के कालांतर में इसमें एक और आचार्य हुए थे वल्लभाचार्य, जिन्होंने अपने नाम से एक अलग संप्रदाय बनाया था वल्लभ संप्रदाय। ये कौन से संप्रदाय से निकले थे भाई, यहां लिख देता हूं रुद्र संप्रदाय से निकले थे। और निम्बार्क संप्रदाय कौन से संप्रदाय से निकले थे भाई, सनकादि संप्रदाय से आए थे, ठीक। अब देख लीजिए राधा वल्लभ संप्रदाय,
राधा वल्लभ संप्रदाय एक बना, इसके बाद आ जाइए यहां हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी इसके मुख्य हुए थे। कृष्ण भक्ति काव्य में ये पांच मुख्य संप्रदाय देखने को मिलते हैं। हरिदास जी इसके प्रणेता थे, जिन्होंने इसको बनाया था हरिदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय में भक्त क्या करते हैं, अपने को स्त्री रूप में रख करके ईश्वर की पूजा करते हैं और स्त्रियों के ही कार्यकलाप, स्त्रियों के ही वस्त्र धारण करके हमेशा रहते हैं। वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय, इन्होंने इसमें ये राधा जी की पूजा करने पर बल देते हैं। राधा जी की पूजा पर बल देते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में आप देख लीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी की भी पूजा और प्लस वल्लभ यानी कि कृष्ण जी की भी पूजा, इन दोनों की पूजा पर बल दिया जाता है। गौड़ीय संप्रदाय एक आया। गौड़ीय संप्रदाय, यह संप्रदाय कहां से निकल करके आया भाई, ये देख लीजिए। सरकार जी ने, मैंने आपको लिखा था यहां पर, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य से। गौड़ीय संप्रदाय ये आया चैतन्य महाप्रभु के बाद, जब ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय हुआ, जो आगे चलकर के गौड़ीय संप्रदाय कहा गया, यह वहां से है। तो इस तरह से कुछ संप्रदाय ऐसे हुए जो अलग बने और कुछ संप्रदाय ऐसे थे जो इन आचार्यों से निकल करके कृष्ण भक्ति में आए, ठीक है। श्री संप्रदाय के अलावा जितने भी संप्रदाय हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, श्री संप्रदाय के अलावा ये जो तीन संप्रदाय हैं, ये तीन संप्रदाय कृष्ण वाले हैं पूरी तरह से। ये तीनों कृष्ण वाले हैं, यानी कि ये बाद में कृष्ण भक्ति काव्य में आ गए। यहां से कृष्ण भक्ति काव्य का लक्षण मिलता है। आप देख सकते हैं कि निम्बार्काचार्य सनकादि वाले से ये मिला। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी से, ये देखिए रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय में कौन, मध्वाचार्य में आगे आ जाइए, ये देखिए चैतन्य महाप्रभु। जहां से गौड़ीय संप्रदाय आया, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रह्म संप्रदाय का उप संप्रदाय हुआ। तो कुल मिलाकर के ये रुद्र संप्रदाय, ये सनकादि संप्रदाय, ये ब्रह्म संप्रदाय। अब ये दो संप्रदाय अन्य आगे चल करके कालांतर में अन्य आचार्यों द्वारा पैदा किए गए, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि रामानुजाचार्य, जिनको हम आद्य आचार्य या प्रारंभिक आचार्य मानते हैं वैष्णव संप्रदाय का, ठीक है, इस वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य के बाद शिष्य परंपरा में आगे चल करके रामानंद जी हुए, ठीक है। यहां देखिए, रामानुजाचार्य के बाद आगे आकर के रामानंद जी हुए, जिनके शिष्य कबीरदास जी भी कहे जाते हैं। अब रामानंद जी के बारे में मैं बताऊंगा, जिसको रामानंदाचार्य भी कहते हैं। रामानंदाचार्य के कौन कौन से शिष्य हुए, उनकी चर्चा हम अब करें। दोस्तों, हम देखेंगे रामानुज जी की शिष्य परंपरा। रामानुज जी जो कि श्री संप्रदाय के आद्य यानी प्राचीन आचार्य थे हम कह सकते हैं, और वैष्णव धर्म के आद्य आचार्य माने जाते हैं, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके शिष्य परंपरा में राघवानंद जी आते हैं, जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बोले गए। इसके बाद रामानंद जी आते हैं। रामानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि वैष्णव संप्रदाय के तो थे ही, वैष्णव संप्रदाय में से श्री संप्रदाय जो आया, वो श्री संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय का एक उपभाग है, इसके प्रमुख आचार्य तो ठीक थे ही, लेकिन ये अपने शिष्यों में इस बात पर जातिवाद और जाति प्रथा धर्म को ये सब नजरअंदाज करके ये किसी को भी शिष्य बनाते थे। तो इनके यहाँ ये नहीं था कि भाई ये आदमी किस धर्म का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है या बौद्ध है या कौन से धर्म का है, उससे इन्हें मतलब नहीं रहता था और जाति से भी मतलब नहीं रहता था। तो ये थोड़े हट करके थे। इनके शिष्यों में रैदास जी थे जो कि चमार जाति के थे, कबीरदास जी थे जो कि जुलाहा थे, क्योंकि इनका पालन पोषण
नीरू और नीमा नाम के जुड़ाहे दंपत्ति ने किया था, जो कपड़े बुनने का कार्य करते थे बनारस में। तो ये जुड़ाहा थे। धन्ना देख लीजिए, धन्ना जाट थे। सेन कौन थे? सेन नाई थे, बार्बर, बाल काटने वाले। पीपा कौन थे? राजपूत थे। भावानंद भी इनके शिष्य थे, सुखानंद भी इनके शिष्य थे, नर हरियानंद भी शिष्य थे, सुरसर इनके शिष्य थे, सुरसुरानंद इनके शिष्य थे, पद्मावती इनकी शिष्या थी। तो कुल मिलाकर के जो ये शिष्य आपने नजर आया, यहाँ पर आपको नजर आया होगा कि ये जाति और धर्म को, मजहब को ध्यान में न रख करके सबको शिष्य बनाए और सबको एक बराबर समझते थे। तो मित्रों, आज जो हमने भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन देखा, उसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि भक्तिकाल आगे चल करके दो शाखाओं में विभक्त हुआ, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में हमारे आ गए संत और सूफी काव्य धारा वाले, और सगुण संप्रदाय में आ गए रामाश्रय शाखा यानी राम भक्ति काव्य और कृष्णाश्रय शाखा यानी कृष्ण भक्ति काव्य। अब इसके बाद हमने देखा कि राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य के पहले यानी कि सगुण संप्रदाय जो है पहले वैष्णव संप्रदाय के नाम से फेमस था और प्रसिद्ध था, और वैष्णव यानी कि बहुत पहले से हम कह सकते हैं ईसा पूर्व के समय से भक्ति का प्रचलन था, और उस समय वैष्णव संप्रदाय अपने चरम पर था, जिस संप्रदाय में भगवान विष्णु को आराध्य मान करके पूजा की जाती थी। उसके पांच संप्रदायों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, सनकादि की चर्चा की, रुद्र की चर्चा की, और निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा की, ब्रह्म संप्रदाय की चर्चा की मैंने, आपके स्यार्थ संप्रदाय जो कि शंकराचार्य जी वाले थे उनकी चर्चा की। तो इन संप्रदायों की चर्चा करने के बाद मैं आपके तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और स्यार्थ संप्रदाय, ये पांच संप्रदाय जो वैष्णव के उप संप्रदाय थे, इनकी चर्चा की, इनके प्रमुख आचार्यों के बारे में आपको बताया। साथ ही साथ इसके बाद बताया मैंने कि ये जो हमारे वैष्णव संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय आगे चलकर के इनके आचार्यों के बाद ये और उप विभागों में बटे, और उनके बाद कुछ ऐसे थे जो कृष्ण भक्ति में आए और कुछ ऐसे थे जो राम भक्ति में आए, उनकी चर्चाएं हुई। इसके बाद रामानंद जी के शिष्य परंपरा, या हम कह सकते हैं रामानुजी की शिष्य परंपरा को हमने देखा, जो कि शिष्य संप्रदाय श्री संप्रदाय के थे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे अगर कोई सुझाव है तो, और अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो प्लीज हिट कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस का रिकमेंडेशन या हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई विषय।